हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर का टैक्सी फेयर का टैक्सी का फेयर इस तरह से लिखा हुआ है, दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह से हम इसको सवाल को लिखते जाएंगे और बना देंगे बहुत आसानी से। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो लिख देंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8। अब क्या कहता है एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस, तो लिख देंगे फेयर फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस। सबसिक्वेंट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, जो टोटल डिस्टेंस माइनस वन, टोटल डिस्टेंस माइनस वन। अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का तो फेयर ₹8 फिक्स है, और बाकी कितना किलोमीटर का फेयर देना पड़ेगा 9 किलोमीटर का, तो टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर देंगे तो वही सबसिक्वेंट हुआ। अगर 20 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 हो गया, रेस्ट कितना हुआ 19, तो 19 कैसे हुआ 20, टोटल डिस्टेंस माइनस वन, उसका ₹5 के हिसाब से देना है। तो ऐसे ही लिख देंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, फेयर फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस दैट इज टोटल डिस्टेंस माइनस वन इक्वल टू ₹5। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, लिखा हुआ है सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसका टोटल फेयर क्या हो जाएगा, इसका टोटल फेयर हो जाएगा फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ सबसिक्वेंट किलोमीटर्स, यही होगा फर्स्ट किलोमीटर और सबसिक्वेंट किलोमीटर्स का फेयर, यही टोटल फेयर होगा। तो इसमें फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर क्या है 8 है, और फेयर ऑफ सबसिक्वेंट किलोमीटर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस प्लस डाल देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है x माइनस वन, और उसका रेट कितना है 5, तो उसको 5 से कर देंगे। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x माइनस वन और रेट है 5, तो ये कर डाल दिया, तो ये हो गया टोटल फेयर 8 प्लस ये क्या हो गया 5x माइनस 5, ये हो गया 5x, पहले x वाले को लिख लेते हैं और 8 में से 5 गया तो 3, तो टोटल क्या हो गया फेयर इतना हो गया। क्वेश्चन में दिखा हुआ है जो टोटल कवर्ड x एंड टोटल फेयर एज रुपीज y, टोटल फेयर कितना है इजकल टू y गिवन। ठीक है, टोटल फेयर y गिवन है, तो टोटल फेयर हमने क्या निकाला है 5x प्लस 3, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 5x प्लस 3, यही मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ग्राफ पर करेंगे। तो जब जानते हैं कि 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है तो 1 वैल्यू को, एक वेरिएबल को लेट करना पड़ता है, दूसरा वैल्यू निकल जाता है, तो उसी हिसाब से करेंगे। अब लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू, सॉरी व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होगा तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा y इक्वल टू 5 इंटू 0, 5x है तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0, 0 हो गया, ये हो गया प्लस 3, तो यहाँ 3 डाल देंगे। ठीक है, दूसरा है अगर व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 5 में से 3 चला जाएगा, माइनस का साइन ज़्यादा होगा तो ये हो गया माइनस 2,
एक ये हो गया मेरा। तीसरा ले लेते हैं, 2 पॉइंट लेने से भी काम चल सकता है, लेकिन हमने 3 लिया है, 3 में थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी होने का चांस रहता है, गड़बड़ होने का चांस नहीं रहता है। 2 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 लिया है। अगर व्हेन एक्स इजकल टू 1 देन वाई इजकल टू 5 × 1 हो जाएगा, 5x, 5 × 1 और +3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 और 3 8। तो ये इसी को हम ये टेबल में बना लेंगे, ये एक्स है ये वाई है, एक्स कितना है 0, तो वाई कितना निकल गया 3, एक्स है -1 तो वाई है -2, एक्स है 1 तो ये हो गया 8, वाई हो गया 8। ठीक है, अब इसी को हम ग्राफ, ये है ग्राफ का, हमने ये कर लिख चुके हैं, नंबरिंग कर दिए हैं, इसका प्लॉटिंग कर दिए हैं। अब इस पर प्लॉटिंग इसको दिखा देना है। तो एक्स को क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। तो एक्स अगर 0 तो ये जहाँ कटता है, एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, उसको ओरिजिन कहते हैं। ये हुआ एक्स, और 3 कहाँ हुआ, उसी पर ऊपर चले जाएंगे, ये 3 हो गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0 और 3। दूसरा है -1, -1 कहाँ, एक्स का -1 ये है, और उसमें -2 है, तो ये -2 उसी के सामने 2 में वाई में आ गया। तो ये हो गया, ये हो गया -1 -2। ठीक है, तीसरा है 1, तो 1 प्लस में है, ये है 1, और 8 है, तो 8 इसी के सामने 8 तक चले जाएंगे, ये हो गया 8। ठीक है, 8 के सामने, तो मेरा 3 पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 1 और 8, ये हो गया 1 और 8। अब इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, यही मेरा ग्राफ हो जाएगा। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट ये हुआ, ये हुआ 1.8, 0.01.8, 0.3, और ये हो गया -1 और 8। ठीक है, ये हो गया 1.8, ये हो गया 0.3, और ये हो गया -1, और ये तीनों को मिला देंगे इससे, यही मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, जैसा कि लिखा है 0 और 3, तो ये 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 0.3 हो गया, -1.2, ये -1 हो गया, ये -2 उसी के अकॉर्डिंगली, यहाँ वाई एक्स पर माइनस में चला गया, वाई एक्स भी माइनस है तो यहाँ चला गया, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो एक्स का -1 यहाँ, वाई का माइनस यहाँ, और 1 और 8, तो 1 है यहाँ और 8 चला गया इसके सामने। ठीक है, 8 के सामने, तो ये और ये 3 पॉइंट हुआ, इसको मिला दिया, यही ग्राफ हुआ, यही आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा।